हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ, और इस एक वीडियो के माध्यम से आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हिस्ट्री का एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपने किसी एग्ज़ाम दिया होगा, कोई एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये भाई क्लाइव ने किया था। किसने किया था? क्लाइव ने। अच्छा, ये बताइए किसके विरुद्ध किया था, किसके विरुद्ध किया था? तो वो थे भाई बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, ठीक है। और कब किया था? 1757। कब किया था? 1757। अब मुझे बताओ, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने। किसके विरुद्ध किया था? बंगाल के विवाद, किसके विरुद्ध किया था? जो बंगाल के नवाब थे उसके, उनके विरुद्ध। और ये कब किया था? 1757, ठीक है। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये आया सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 7 स्टार लगा लो भाई इस पर, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यहीं से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये तो बताऊंगा बाद में। पहले मुझे बताओ, भारत के पहले वायसराय कौन थे? वायसराय, वायसराय जल्दी से बता दो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, रिपीट हुआ है कई बार। तो ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद अगर मैं पूछूँ भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वे थे विलियम बेंटिंक, ठीक है। ये कौन थे? विलियम बेंटिंक। मैं देखो बोलते जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, जो लिखावट है उस पर ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि लिख तो ऐसे ही रहा हूँ। तुम बोलने पर ध्यान दो और याद करने की कोशिश करो साथ ही साथ, क्योंकि मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा दोबारा बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आपको याद भी हो सकता है। पहले वायसराय कौन थे? पहले वायसराय थे आपके कैनिंग, और अगर पहले गवर्नर जनरल की बात करूं तो विलियम बेंटिंक। और बंगाल के, अगर मैं बंगाल की बात करूं, बंगाल के पहले गवर्नर तो वो था भाई क्लाइव। कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर ये था भाई क्लाइव, ठीक है। और जनरल गवर्नर तो वो था, गवर्नर जनरल कौन था भाई? हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। तो बंगाल की बात छिड़ गई, तो मुझे ये बता दो कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था कमेंट सेक्शन में। ये हुआ था 1905 में। चलो आगे देखो। अब इससे पहले तुम एक बात जान लो कि देखो, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये मैंने स्पेशली DDC के लिए बनाया, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी, जो कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है नज़दीक। इसी से रिलेटेड मैंने जो मैथ की मैराथन है वो डाल दी है BK सर ने, और आपकी रीजनिंग की वीडियो आज एक आने वाली है, और ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। और यदि और कुछ भी चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप पहुंच सकते हो वहां पे और डाउनलोड कर लेना। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कोई ये नहीं है कि स्पेशल इसी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये ज़्यादा 30 से 40 मिनट की बनेगी, तो 30 से 40 मिनट दे देना, और बाद में एग्ज़ाम में जाके देख लेना क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आगे चलते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दो इसका आंसर। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये भाई डुपले को कहा जाता है। किसको? डुपले को। आगे देखो अगला क्वेश्चन, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? इससे पहले मुझे बताओ, स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? जल्दी से बता दो, स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जल्दी से बता दो। तो ये किसने की थी? कॉर्नवॉलिस ने, कॉर्नवॉलिस, ठीक है। और कॉर्नवॉलिस ने ही क्या किया था भाई? सिविल सर्विस का जनक बोला जाता है कॉर्नवॉलिस को ही, ठीक है। कॉर्नवॉलिस को ही क्या बोला जाता है? सिविल सर्विस का जनक। और स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? ये भी कॉर्नवॉलिस ने की थी। और अगर मैं बात करूँ, चलो बात नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, कि सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, कब मनाया जाता है, ठीक है।
चलो, और यदि लाइव चाहते हो लाइव वीडियो तो फिर लाइव की बताना, ठीक है, लाइव लाएंगे शाम को। चाहते हो तो पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन, अधिवेशन आ गया, अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था भाई, बताओ जल्दी। ये है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1896, 1896, 1896। तो सबसे बताओ इसकी अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता किसने की भाई? रहीमतुल्ला ने की थी। किसने? रहीमतुल्ला। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं ध्यान से देखो। पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया भाई? कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया। कब गाया गया ये कलकत्ता अधिवेशन, कब हुआ था? 1896, 1896। अध्यक्षता किसने की? रहीमतुल्ला। तीनों तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे भाई? करजन थे। बंगाल, भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय थे आपके कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखो, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अभी मैंने बताया था किसके द्वारा प्रारंभ की गई, ये की गई थी कौन, वॉलिस के द्वारा। तो मुझे बताओ रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो ये रीड और मुनरो, रासे रीड, रासे रीड, रीड और मुनरो किसके द्वारा स्टार्ट की गई? रैयतवाड़ी रासे रीड, रैयतवाड़ी रासे रीड प्लस मुनरो दोनों ने की थी। अगर बात आए महलवाड़ी, तीन थी व्यवस्था, ठीक है, महलवाड़ी, तो माँ से, माँ से मैकेजी, क्या मैकेजी। तो देखो कुछ ट्रिकें अपने आप बनाया करो, ठीक है, तो क्या होता है याद हो जाती हैं। अब इसमें तीन व्यवस्थाएं, एक आपकी हो गई स्थाई, और एक हो गई महलवाड़ी, और एक हो गई आपकी रैयतवाड़ी। तो देखो स्थाई बंदोबस्त तो तुम्हें पता ही है कौन है, जो सिविल, सिविल सर्विस का जनक माना जाता है, कौन था भाई? कॉर्नवॉलिस। और अगर महलवाड़ी की बात करूं तो मैकेंजी, और रैयतवाड़ी की बात करूं तो रीड मुनरो। बात खत्म। ओके आगे चलो। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई? पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ? ये आया काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अब कैसे कैसे पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था ये बताइए, तो ये हुआ था भाई 1932 में। एक क्वेश्चन ये हुआ, ध्यान देना, एक क्वेश्चन ये हुआ 1932, याद रखना। तो कहाँ पे हुआ ये? हुआ यरवदा जेल में, यरवदा जेल में, यरवदा जेल, और कहाँ पर? पुणे में, यरवदा जेल पुणे भाई, ठीक है। इसके बाद ये किस किस के मध्य हुआ? तो ये भाई गांधी जी के मध्य, और किन के मध्य हुआ? DRB, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन कितने बन गए आपके, पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ, अंबेडकर और गांधी जी, कब हुआ 1932, और कहाँ पर हुआ, यरवदा जेल में पुणे में, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र। अब बताइए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये लो आया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। इन्हीं ने क्या किया था 1925, 1925 कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। सरोजनी नायडू, इन्हीं को क्या कहा जाता है? कोकिला, भारत की कोकिला कहा जाता है। और यही सर्वप्रथम पहली कौन थी? यही पहली भारत की राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल, समझ में आया? पहली महिला राज्यपाल भारत की कौन थी? सरोजिनी नायडू। और बात की जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजिनी नायडू, कौन सा अधिवेशन हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925। और बात की जाए कब की, कि भाई 1925 में एक घटना हुई थी, उसको बताओ जल्दी, काकोरी कांड। काकोरी कांड था ना, ठीक है। चलो आगे बताओ कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। हाँ देखो ये क्वेश्चन और आ गया, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो
तो ये भाई थी एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। अब देखो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो डिस्पैच किसके शासन काल में आया, वो डिस्पैच किसके शासन काल में आया, उससे पहले बताओ ये कब आया। ये आया 1854 ईस्वी में, ठीक है। किसके किसके शासन काल में आया, ये आया डलहौजी के शासन काल में। डलहौजी शायद आप जानते हो कि डलहौजी को अच्छी तरह, ठीक है। यदि आपने झांसी की रानी नाटक देखा है तो डलहौजी, ठीक है, डलहौजी के शासन काल में आया 1854। और 1857 में क्या हुई थी, 1857 भाई क्या हुई थी, जो 1857 की क्रांति, जो प्रथम क्रांति बोल सकते हो, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति, डलहौजी 1854 में, तो 1857 में क्रांति हुई थी तब भी ये था। अब बात आती है कि 1853 में ही, अब देखो क्वेश्चन एक, ये जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन चलाई गई, पहली ट्रेन चलाई गई कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाड़े के बीच में, और किसने चलवाई, किसके शासन काल में चली भाई, डलहौजी के शासन काल में। फूट डालो शासन करो, ये भी इसी की नीति थी, फूट डालो शासन करो। भारत की पहली जनगणना किस समय की गई थी, जल्दी से बताओ, 1872 ईस्वी में की गई थी, किसने की थी, मेयो ने की थी। अगर बात कर दे, ये तो पहली जनगणना है, अगर बात कर दे दशकीय आधार पर पहली जनगणना कब हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डाउट होता है बच्चों को कि पहली जनगणना पूछा है कि दशकीय, तो कहीं मेव लगा देते हैं कहीं रिपन लगा देते हैं। तो बात करें अगर दशकीय, तो पहली दशकीय आधार पर जनगणना भाई रिपन के काल में हुई थी, रिपन, ठीक है, 1881 ईस्वी में, याद रखना काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो विश्व की अगर मैं पूछूं पहली जनगणना कहाँ पे किस देश में हुई थी, तो वो हुई थी आपकी स्वीडन में, ठीक है। जनगणना किस सूची का विषय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। चलो जनगणना मैं बता रहा हूँ, जनगणना, जनगणना किस सूची का विषय है, ये आपका संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। और जनसंख्या बात की जाए तो जनसंख्या है संवर्ती सूची का विषय। तो ये बनी हुई है सूची, 1 2 3 4 इस तरह से सूची बनी हुई है, तो उसकी हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से याद रख सकते हो कि जनगणना, जनों की गिनती, जनों की गिनती, कितने जन हैं, कितनी जनसंख्या है, उसकी हम गिनती करते हैं 1 2 3 सूची के माध्यम से। तो हम इसको बोल सकते हैं संघ सूची, संघ सूची काफी इंपोर्टेंट है। इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है कि जनसंख्या संघ सूची है कि जनगणना संघ सूची है, तो इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई है कि गणना होती है 1 2 3, तो ये क्या होती है, सूची होती है, एक सूची सी बनी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संघ सूची। तो गणना होगी तो संघ सूची, जनगणना संघ सूची, इस तरह से याद हो गया। तो जनसंख्या ऑटोमेटो लगा दोगे संवर्ती सूची, ठीक है, संवर्ती का विषय, ठीक है। आगे देखो, ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है भाई रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट याद रखना, 1919 में क्या हुआ, काला कानून आया ये, ठीक है, इसी को काला कानून बोलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती काफी इंपोर्टेंट है, 9 अगस्त, 9 अगस्त 1925, काकोरी ट्रेन डकैती किस किसने करवाई थी, तो भाई चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, ठीक है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अशफाक उल्ला खां जो प्राणी पार्क है वो कहाँ पर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, गोरखपुर में, गोरखपुर बाबा योगी की नगरी, ठीक है, जो यूपी के सीएम हैं उनकी क्या है, मतलब वो कहाँ के हैं, वो गोरखपुर के हैं, ठीक है, याद रखना, जो यूपी की जो क्या है, यूपी का एक शहर है गोरखपुर, ठीक है, वहीं के हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये क्या है, ये हमारे यूपी के सीएम हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी
तो स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर की थी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने और सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई? तो तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई थी? ये पुर्तगालियों ने सिखाई थी। किसने सिखाई थी? पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में गए थे। अब क्वेश्चन पूछता है इनका केंद्र कहाँ था, जल्दी से बताओ इनका केंद्र कहाँ था। तो इनका केंद्र था गोवा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। ठीक है, और रिपन ने क्या किया था? 1881 में दशकीय आधार पर जनगणना की थी, याद रखना। आगे चलते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था किस समिति के आधार पर स्टार्ट हुई? तो ये हुई थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये आपका किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, मुनरो ने किया था भाई 1764 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, और इसी के बाद क्या हुआ था आपका, 1765 ईस्वी में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी, क्लाइव को बुलाया गया था इसके लिए। ठीक है, 1873, अब ये देखो थोड़ा समझने की बात है यहाँ पे, 1873 किस तरह से लिखा है, ये है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, जल्दी से बता दो इसका आंसर। तो ये की थी आपकी ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और इनकी पुस्तक का नाम ये पूछा जाता है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो वो पुस्तक इन्होंने लिखी थी कौन सी? गुलामगिरी, गुलामगिरी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है, जल्दी से बता दो इसका आंसर। तो ये थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? चलो अधिवेशन देखते हैं आप। ठीक है, थोड़ा अधिवेशन को देख लें, एक मिनट, जो इम्पोर्टेंट घटना है ना उनको क्रमवाइज में लिखा रहा हूँ, आप नोट कर लो। पहले बात करता हूँ मैं 1905, 1905, 1905 क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया 1905 से। ठीक है, इसी के बाद 1907 की बात आती है, तो ये होता है आपका सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, क्या होता है इसमें, जो नरम दल और गरम दल थे ना, तो वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं अलग अलग पार्ट में वो। ठीक है, अलग हो जाते हैं नरम दल और गरम दल। 1909 की बात करूं तो पार्लियामेंटो एक्ट आता है और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट होती है। ठीक है, इसी के बाद अगर मैं बात करूं, अगली जो तिथि है वो है 1911। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और घोषणा की जाती है कि नई राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई जाएगी, और 1912 में ये बन भी जाती है, क्या? कोलकाता से दिल्ली राजधानी बन जाती है। ठीक है, इसके बाद अगली जो डेट है वो है आपकी 9 अगस्त 1915। ये इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि इसी डेट को क्या हुआ, गांधी जी वापस आए थे। कब आए थे? 1915 गांधी जी वापस आ गए, और 1916 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ था, अंबिका चरण मजमूदार ने अध्यक्षता की थी और नरम दल गरम दल एक हो गए। अब देखो यहाँ से कैसे याद रख कर सकते हो, जो गांधी जी थे 1915 में आए, ठीक है, 15 में जस्ट गांधी जी के आने के बाद 1916 में क्या हुआ, 1916 में अंबिका चरण मजमूदार ने अध्यक्षता की थी, किसकी? लखनऊ अधिवेशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, नरम दल गरम दल एक हो गए
और 1917 दो साल बाद, आने के दो जस्ट दो साल बाद इन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बिहार से। अब बात करते हैं 15 अप्रैल 1919, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, ये मतलब 1919, ठीक है, 1919, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, जो 1919 में क्या हुआ, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है, हंटर आयोग इसी के बाद बना था, जलियांवाला हत्याकांड के बाद 1919 में, ठीक है। आगे देखो अगला क्या है, तो अगला है आपका कौन सा, मतलब कहाँ पर पहुँच गए, 1919 में ही आपका रॉलेट एक्ट आया था। अगर मैं बात करूँ असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन 1920 में चला था और 1922 में रद्द हो गया था। क्यों रद्द हो गया था, चोरा चोरी कांड के कारण, ठीक है, उसी में जो महात्मा जी थे उन्होंने अपनी, मतलब महात्मा जी क्यों, गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी, तो उन्होंने अपनी जो केसर हिंद की उपाधि थी वो त्याग दी। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश हो गया, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखना, बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन 1924, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन 1924। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक की कोई पुस्तक, तो वो थी गीता, गीता रहस्य, ये इनकी पुस्तक थी, और केसरी और मराठा इनकी दो पत्रिका थी, याद रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने प्रशासन के आधार पर किस रियासत का विलय किया था, तो ये किया था आपका अवध का, ठीक है, अवध, और गोद के आधार पर, गोद प्रथा के आधार पर किस का विलय किया था, जल्दी से बताओ, ये झांसी का किया था, ठीक है। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है वुड डिस्पैच को। कब आया, 1854 में, 1854 में, किसके समय आया था, पहले बता दिया मैंने, डलहौजी के समय, डलहौजी के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो ये है वही मौलाना आज़ाद, जो कि फर्स्ट फर्स्ट कौन थे, शिक्षा मंत्री, ठीक है, कौन थे, पहले शिक्षा मंत्री। हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है, पहले ही बता चुका हूँ, हंटर आयोग किस घटना से है भाई, जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। संवाद कौमदी अखबार का संबंध किससे है, तो संवाद कौमदी अखबार का संबंध किससे है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। आगे देखो लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है, तो लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है, ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान से, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सीमांत गांधी भी बोला जाता है इन्हीं को। किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से आप क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1924 की, तो एक एक्वर्थ आयोग बनता है और इसी की सिफारिश पर इसको अलग किया जाता है, ठीक है। और विवेक देवराय समिति के आधार पर, जो विवेक देवराय समिति है उसी के आधार पर रेल बजट को आम बजट में मिलाया जाता है, ठीक है। अब देखो गीता रहस्य, गीता रहस्य मैंने अभी बताया था किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। आगे देखो भगत सिंह, गुरुदेव, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बनते हैं, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी जाती है। तो याद रखना 1900 पूछता है गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 5 मार्च 1931 और फांसी कब दी जाती है इनको, तो 23 मार्च 1931, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1932 में पूना पैक्ट आता है, ठीक है, जो किन किन के मध्य होता है,
1932 पूना पैक्ट आता है, जो किन किन के मध्य होता है, गांधी जी और अंबेडकर। कब आता है? 1932, यरवदा जेल के अंदर पुणे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस वायसराय से है? तो ये आपका लिटन से, ठीक है, लिटन से, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में दुर्ग कौन सा बनवाया गया? तो ये था कोर्ट विलियम। कौन था? कौन सा? कोर्ट विलियम, ठीक है। अगला, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? ये लिया गया भाई आनंद मठ से, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। और फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। चलो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल देखो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। और बताइए वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।